बिन दुल्हन लौटी बारात। दहेज को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों में हुई हाथापाई, गाड़ी और 5 लाख नकदी की मांग, टूटी कुर्सियां, बिखरा सामान, टूटा मंडप और मायूस इंसान। ये दृश्य है हिसार जिले के हांसी के मंडी सेनानियन का, जहां एक बाप ने अपने जीवन भर की कमाई से बेटी की शादी के इंतजाम किए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारात आई लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई। हिसार से बारात पूरे गाजे बाजे के साथ विवाह स्थल पर पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने फेरों से पहले एक गाड़ी और 5 लाख नकदी की मांग रख दी। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें भी आई हैं। रात को शादी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब फेरों का टाइम आया तो उनकी मम्मी ने डिमांड रखी कि गाड़ी चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। क्या पहले भी उन्होंने कई बार डिमांड की है? हाँ जी, पहले भी कंटिन्यू डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। फिर जो रात को वाक्य हुआ उसमें, उसके बाद उनकी बारात में कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी तो तोड़फोड़ करने शुरू, जब हमने मना करा देने से तो तोड़फोड़ शुरू करने लगे, सभी एक दूसरे पर कुर्सियाँ वगैरह मारने लग गए। तो ये आपके परिवार के बीच कितने जनों को चोट आई है? मेरे कई भाइयों को, मामा को चोट आई है बहुत ज़्यादा। तो क्या FIR दर्ज करवा दी गई है? हाँ जी, कल मामला या यही किसी छोटी मोटी मांग दी हुई तो हमने पूरी कर दी। कल जब बारात आई ने, जब हमें लड़का ने फेरा वास्ते बुलाया तो उन्होंने बोला फेरा वास्ते पीछे बैठेगा लड़का भी, 5 लाख रुपये और एक गाड़ी हो तो छोरा फेरा बैठेगा, नहीं कौन बैठे। उस टाइम खड़ी चोट हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम उनकी मांग पूरी कर नहीं पाए। और कई बार छोटी मोटी मांग करते रहे, वो हम पूरी करते रहे उनकी। जी मारे 5-6 आदमी आगे मारने लग रही है, बाकी उनके कम है, एक गंभीर है ज्यादा। वही लड़के के पिता मनी राम ने फोन पर बताया कि नाचने की वजह से बारात के पहुंचने में कुछ देर हो गई, इसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी हुई थी। तभी लड़की पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके पक्ष के कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज हिसार के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों तरफ के बयान लेने के बाद अगली कार्रवाई करने की बात की है। कल रात को हमें सूचना मिली थी लड़ाई झगड़े की, संदीप लड़ाई झगड़े में घायल होकर दाखिल हुआ, हमारा IO वहाँ से चला गया तो वो रेफर कर रखा है हिसार। आज हमें पता चला कि भाई उनके शादी को कोई दहेज वगैरह के डिमांड के चक्कर में वो लड़के फेरा ना लेकर बारात वापस चली गई। ये सूचना पाकर तुरंत मैं भी आया और मेरा चौकी इंचार्ज भी आया। अभी हमें कोई लिखित कंप्लेंट नहीं मिली है, जैसे ही कंप्लेंट मिला कि न्यूयॉर्क। सर ये कितने की मांग थी सर? ये मौखिक कभी पता चला कि 5 लाख रुपए की कैश डिमांड। उसके तक उठेगी सर? नहीं, शिकायत अभी हमें मिली नहीं है, जैसे ही शिकायत मिलेगी FIR लॉन्च करके नीम साता भाई की। सर क्या परिवार वालों ने यही बताया कि पहले भी लड़के वाले लोग बैड डिमांड कर चुके हैं? अभी से इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हुआ, जैसे ही हमें कंप्लेंट मिलेगी उस कंप्लेंट के आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।